नमस्कार दोस्तों, यशस्वी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आलोक इंडस्ट्रीज Q2 रिजल्ट समरी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और ये काफ़ी फास्ट आपके लिए एक्सप्लेनेशन रहेगा। पूरा डिटेल वीडियो आपके सामने ऑलरेडी प्रस्तुत कर चुका हूं, तो यहां पे कई लोगों के कई सारे सवाल है और LC लग जाएगा, तो हम LC के बात ही नहीं करेंगे दोस्तों। हमको रिजल्ट काफ़ी अच्छे लगे हैं और रिजल्ट के ऊपर हम काफ़ी बुलिश है इस स्टॉक में। बाकी अपना आप ओन डिसीजन ले सकते हैं, इसमें इन्वेस्टेड रहना है, एग्जिट करना है, जो इंडिविजुअल उसका अपना ओन डिसीजन रहेगा। उसमें हमारा कोई एडवाइस नहीं है, हम आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियोस प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात, यहाँ पे जो Q2 FY 2021 यानी पिछले साल का सेम क्वार्टर में 820 करोड़ का रिवेन्यू था, मैं अभी कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स का जस्ट समरी बता रहा हूँ। जो अभी हम कंपेयर करेंगे तो 1910.5 करोड़ यानी 1091 यानी लगभग 1100 करोड़ के आसपास यहाँ पे राइज हुआ है। तो ये क्या खराब है? ये बिल्कुल ख़राब नहीं है दोस्तों, ऑर्डिनरी रिजल्ट्स है। सेम कंडीशंस में काम करके सेम कैपेसिटी से, मतलब सेम एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ में ही यहाँ पे आउटपुट बढ़ा, यानी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। पिछला क्वार्टर में 1264 यानी वो उसको कंपेयर करेंगे तो 647 करोड़ का यहाँ पे सीधा सीधा राइज है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 51% है और प्रीवियस ईयर क्वार्टर का परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो 133% है। तो ये ज़बरदस्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पे रिवेन्यू में ग्रोथ है। अब यहाँ पे जो कंपनी के पास फंड्स थे 500 करोड़ के फंड्स, जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स ने जो शेयर्स का एक्वायर किए थे इन टर्म्स ऑफ OCPS 250 करोड़ और बाकी अदर शेयर्स का 250 करोड़, ऐसा 500 करोड़ का जो फंडिंग था जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पे किया था, उसमें से अभी तक जो फंड यूटिलाइज हुआ है 309.87 और अभी बैलेंस है 190.12 करोड़। तो इसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया, इतना फंड कंपनी के पास ये सेपरेट फंड है अदर देन ये कंपनी के बैलेंस शीट में जो दिख रहा है। इसका प्रूफ आपको देख सकते हैं, ये कंपनी ने लेटर दिया है और उस लेटर में यहाँ पे ये क्लियर कहा गया है इनके पास 190.12 करोड़, अभी वो 500 करोड़ में से बाकी है। अभी यहाँ पे कंपनी ने नेट कैश जनरेट किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 113.07 करोड़, कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 16.12 करोड़ है। यहाँ पे एक और अच्छी बात है, जो करंट असेट जो है वो एक्सीड कर रहे हैं करंट लायबिलिटीज़ को 201.75 करोड़ से। EBITDA कंपनी ने पेश किया है 123.07 करोड़, ये बहुत अच्छी बात है। फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे दिया है 124.5, ये फाइनेंस कॉस्ट का एग्जैक्ट क्लियरिटी इसके नोट्स में नहीं मिल रहा है, लेकिन इम्पुटेड कॉस्ट, इम्पुटेड इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे वर्डिंग है नोट्स में, उसके अकॉर्डिंगली इम्पुटेड कॉस्ट यानी जो कॉस्ट आप पे नहीं करते लेकिन उसको कंसिडर किया जाता है या नोशनल टाइप से रहता है। जैसा आपने कार परचेस किया कैश में, अगर कैश के वो कैश को अपन बैंक में रखा रहता तो 5% का इंटरेस्ट मिलता था, तो वो जो 5% का इंटरेस्ट आप अगर 5 साल बैंक में रखते थे तो उसका जो इंटरेस्ट आता था, सपोज हमने 15,000 का ले लिया तो उसका 19,000 के आसपास इंटरेस्ट पकड़ के होता था, तो जो दोनों का डिफरेंस है उसको इम्पुटेड इंटरेस्ट कॉस्ट कहा जाता है। तो इम्पुटेड इंटरेस्ट कॉस्ट का यहाँ पे मेंशन किया है लेकिन क्लियरली डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पे थोड़ा घुमा के रिजल्ट्स में वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया है दोस्तों, तो उसको समझना पड़ेगा। एक अदर एक्सपेंसेस क्या है वो भी, उसका भी क्लियरिटी नहीं मिला है। तो उसके अलावा बाकी ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और आगे चल के इससे भी अच्छे प्रस्तुत करेंगी कंपनी। कोविड का इम्पैक्ट भी था, उसके बावजूद भी कंपनी का परफॉर्मेंस हाफ ईयर में भी बहुत अच्छा है। 6000 मतलब इस रेशियो में भी चला तो कंपनी इस साल में आने वाले 2 क्वार्टर में ये रिवेन्यू को हो सकता है 8000 करोड़ को क्रॉस कर सकता है। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट, मार्जिनल इम्प्रूवमेंट भी हुआ या मेंटेन किया तो ईयरली रिवेन्यू 8000 करोड़ क्रॉस कर सकता है। तो आशा करता हूँ ये समरी आपको पसंद आई होगी, और भी कोई डाउट होंगे तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।